नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली मैं ये रूल्स अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ जो मैंने सीखे थे, लेकिन कुछ लोगों की मेरे पास मेल आई थी, उसमें कहा गया था सर आपने जो भी रूल्स सीखे हैं या जो भी रूल्स आप फॉलो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, प्लीज़ उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के हमें दे दें। तो उन्हीं सब की रिक्वेस्ट पर एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इन वीडियोस को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे ध्यान से समझें। ये पांच रूल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। जो 90% ट्रेडर, 95% ट्रेडर लॉस में रहता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, वो इन रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मात्र ये पाँच रूल्स हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये पाँच रूल्स क्या क्या हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी, अगर आप पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा पांच रूल ऑलरेडी क्या हैं। लेकिन जो नए मेहमान पहली बार इस हमारे चैनल पर आए हैं, वो इस वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से समझें और फिर अगली ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट रूल्स को। दोस्तों देखिए, पहला रूल्स हमारा क्या है कि हमारा जो भी प्रॉफिट कल हुआ था, यानी कि कल का सारा प्रॉफिट आज मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं करूँगा। यानी कि कल को अगर मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आज कितनी ही मैं गंदी ट्रेडिंग कर लूँ, लेकिन उसे कल जो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसे आज लॉस में कन्वर्ट नहीं करूँगा। आज मैं लॉस 500 का करूँगा, 400 का करूँगा या 700 का करूँगा मैक्सिमम, लेकिन कल का सारा प्रॉफिट आज मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं करने वाला। 95% ट्रेडर क्या करता है, उसे आज की डेट में, यानी आज उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 1000, 2000, 10000, 20000, 50000 जो भी, अब कल वो सोचेगा इस प्रॉफिट को ज़्यादा करने का, तो वो जाहिर से बात ज़्यादा क्वांटिटी लेगा या फिर ज़्यादा बड़ा एसएल लेगा। उसमें होगा क्या, वो अपना सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला रूल्स यही है कि कल में जितना ही प्रॉफिट हुआ, चाहे 500 का हुआ, 1000 का हुआ, चाहे 2000 का हुआ, उसे मैं आज सारा का सारा लॉस में कन्वर्ट नहीं करने वाला। सेकेंड रूल्स आता है कि दो लॉस होने के बाद मैं अपना टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। टर्मिनल करने के लिए दोस्तों जो हिम्मत चाहिए ना, वो सभी ट्रेडरों में नहीं होती है। लेकिन अगर आप ठान लें कि अगर मेरे दो लॉस हो गए हैं तो मैं टर्मिनल बंद कर दूंगा, कितनी ही अच्छी ट्रेडिंग मुझे ट्रेडिंग आती हो, आज मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला। दोस्तों यही रूल मैं अपनाता हूँ, जब मुझे लगातार दो लॉस हो जाते हैं तो मैं टर्मिनल को अपने आप को ब्लॉक कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। मैं फिर देखता ही नहीं हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है, चाहे मार्केट कितने अच्छा मूव दे या ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे बंद करके और फिर सिस्टम से अलग हो जाता हूँ। सेकेंड रूल्स है कि मैं दो लॉस होने के बाद अपना टर्मिनल बंद कर दूंगा। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। थर्ड रूल है दोस्तों, अगर पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया है तो आज मैं अपने आप को रेड में क्लोज नहीं करूंगा। अगर आज मैंने कोई ट्रेड लिया मॉर्निंग के सेशन में और मुझे उसमें प्रॉफिट हो गया, तो कुछ भी हो जाए, मैं आज अब उस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने घर लेकर ज़रूर जाऊंगा। आज उसको मैं रेड में क्लोज़ नहीं करने वाला। मान लीजिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1000 में से मैं सिर्फ 500, 300, 400 का ही रिस्क लूँगा, अगर रिस्क बनेगा तो। अगर रिस्क ज़्यादा का बन रहा है तो मैं ट्रेडिंग आज करूँगा नहीं, उन 1000 रुपये को लेकर घर चला जाऊँगा। चौथे रूल्स की तरफ चलते हैं। चौथा रूल्स है, ट्रेड लेने के बाद अपने टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है दोस्तों, कि 90% 95% ट्रेडर क्या करता है, वो पहले ट्रेड ले लेगा गलत सलत, पहले तो एनालाइज करेगा नहीं, फिर उसके बाद एनालाइज करने बैठेगा कि हो सकता है शायद ये मुझे स्टॉप लॉस कर दे तो मैं निकल जाता हूँ। यानी कि वो अपने एसएल तक मार्केट को जाने ही नहीं देगा, उससे पहले ही अपने आप को कट कर लेगा, या फिर मार्केट उसके टारगेट की तरफ बढ़ रहा है तो फिर डर जाएगा कि हो सकता है मार्केट मेरा टारगेट ना दे, पहले ही घूम जाए, वो डर से निकल जाएगा। यानी कि ट्रेड तो उन्हें अच्छा खासा ले लिया, एनालाइज पहले भी कर लिया, अब ना तो वो अपने टारगेट तक रुक पाया ना अपने एसएल तक रुक पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों। पांचवा और लास्ट रूल, सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई ट्रेड नहीं करूँगा। दोस्तों अगर आपने ये गांठ बांध ली कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा या जब तक मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला। सेटअप ये आपके जो भी सेटअप हों, आपने 1, 2, 3 जो भी सेटअप बनाए हों, जब तक वो सेटअप ना बने, चाहे वो सेटअप एक दिन में बने चाहे दो दिन में बने, तब तक मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा।
दूसरा रिस्क मैनेजमेंट से मतलब, मान लीजिए आज आपको पहले ट्रेड में 500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, अब अगला ट्रेड जो उसका SL बनना है वो 700 पॉइंट मतलब 700 रुपये का बनना है। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, पहला ट्रेड में मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब वो 500 का हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है। अब मान लीजिए मुझे पहले ट्रेड में 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अगला ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन वहाँ जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो वो मैं ट्रेड नहीं करने वाला, चाहे कितने अच्छा सेटअप दे दे। दोस्तों ये 5 रूल्स हैं, अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। दोस्तों ये रूल्स जितने पढ़ने में आसान है ना, उतने ही ज़्यादा मुश्किल हैं फॉलो करने में। मुझे भी इन रूल्स को फॉलो करने में 1 साल लग गया। 1 साल तक मैं भी उल्टी सीधी ट्रेडिंग कर रहा था, कहीं भी ट्रेड ले रहा था, कहीं भी SL कर रहा, कहीं भी टारगेट लिया नहीं लिया, कितनी क्वांटिटी मारी या अच्छे सेटअप पे नहीं रुका। लेकिन धीरे धीरे करते 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 साल 1.5 साल में जाके मुझे समझ में आया कि मेरी गलती क्या है। और एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, हम जो ट्रेडर होते हैं ना, वो 95% लॉस करते हैं। दरअसल वो 95% प्रॉफिट में ही रहते हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसा आता है जो अपना पीछे का 10 दिन का प्रॉफिट दे देते हैं, जिस कारण वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और वो लॉस में आ जाते हैं। अगर आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इन रूल्स को फॉलो किए बिना आप नहीं बन सकते। और आप जिनसे भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, चाहे मेरी वीडियो सीख रहे हैं या किसी और की वीडियो सीख रहे हैं, अगर वो सच्चा और अच्छा ट्रेडर है या अच्छा ट्रेनर है, तो आपको इन रूल्स के बारे में ज़रूर बताएगा। बिना इन रूल्स के सीखे या करे हुए आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर वो सिर्फ यही कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा सेटअप है, जिसे आप 100 में खरीदे 1,000 में बेचे, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो दोस्तों या तो वो झूठ बोल रहा, वो या तो अपने आप को पागल बना रहा है या आपको पागल बना रहा है। क्योंकि ऐसा कोई सेटअप, ऐसा कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं जो आपके साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट से ऊपर जाके काम करे। जब तक आपका साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो ये 5 रूल्स हैं, सिर्फ इन 5 रूल्स को ही फॉलो करके देख लीजिए आप 10 दिन 15 दिन, और अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना हो इन 15 दिनों में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आगे से वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।